नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीवी ब्लॉगर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों एक दिन मेरे बात घर आया हूँ और अपनी बाइक से मिला हूँ, तो काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है। और आज मेरा फर्स्ट दोस्त जो है ब्लॉगिंग वाला है, तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने चाहिए। ये मैंने तैयार कर लिया है, जैसे टेस्ट करूँगा और तो दोस्तों कर लेते हैं अपने सेटअप को तैयार और चलते हैं रानीखेत की ओर। ये चल पड़े धीरे धीरे, जो पहाड़ों में जाते हैं चलना भी नहीं है और ज़्यादा स्लो भी चलेंगे तो दोस्तों का रानीखेत पहुँचने में शाम हो जाएगी। ये भैया देखो, सबसे बड़ा मज़ा आता है, देखो दोस्तों पहाड़ में जो बैंड होते हैं आप आराम से काटो उनको, मोड़ों को तो बड़ा मज़ा आता है। और ये हम पहुँच गए बाराखाम, ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत बड़ा गाँव है यहाँ पे बाराखाम। तो इसको क्रॉस करते हैं जल्दी से, यहाँ पे भी अपने रुकने का कुछ काम है नहीं, फिर निकल पड़े हम आगे की ओर। देखो सड़क में देखो मिट्टी कितनी हो गया, इसमें गलती से आप गए तो आपकी बाइक होगी स्लिप, पूरा ध्यान से चलना पड़ता बाइक में। और दोस्तों ये पहुँच गए हम, ये माता जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पर प्रोग्राम भी होता है। तो अभी प्रोग्राम करते हुए सीधे चलते हैं आगे की ओर और निकलते हैं अपने रानीखेत के सफ़र पर। ये देखिए ये बड़ा मज़ा आता है जब बैंड खाते हैं हम, कोई लीन करने में बाइक को अलग ही मज़ा है उसका, एक बाइकर ही समझ सकता है इस चीज़ को कि कितना मज़ा आता है इसमें। तो ये चल दिए दोस्तों, आंटी जी आ रही हैं, लेकिन सड़कों का हाल देखो कैसी मिट्टी मिट्टी हो रही है, पूरी हद है, मतलब किसी से मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट को कुछ सड़कों, पहाड़ जो गिरे गिरे अपने आप गिरे। अंकल जी भी आ गए, ये देखिए ये पहुँच गए दोस्तों हम तिपोला में। ये तिपोला का बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, खैर मेन काम के लिए तो ये लोग भी रानीखेत ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना है काम चल जाता है इससे। और यहाँ से एक सड़क जाती है अपने बिनसर भतरौंज खान भिक्कासन को निकल सकते हैं हम, ये वाली सड़क है वो जो हमारे राइट हैंड में जा रही है, और ये सीधे अपनी जो है रानीखेत की ओर जा रही है। तो रानीखेत की ओर हम चलते रहते हैं आगे को, ये निकल रहे हैं हम रानीखेत की ओर। क्या मस्त मज़ा आ जाता है बहुत, एक डेढ़ महीने बाद गाड़ी चला रहा हूँ और वैसे ही इस गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, तो फिर मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। ये निकल रहे हैं हम धीरे धीरे, अंकल जी क्या कर रहे हैं, निकले हम रानीखेत की ओर। चले भैया रानीखेत घूम के आए हम, और यहाँ पे देखो कैसे लगाते हैं गाड़ियाँ, ये देखिए ये तो भैया जी ने ज़बरदस्त कर रखा है, बीच में डंपर खड़ा किया है और ये अनलोड कर रहे हैं गाड़ी को। अब जब तक ये अनलोड नहीं करे तब तक रुके रहो इनको, ये हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना। अंकल जी को ज़रा जल्दी हो रही थी, बीच सड़क में जो गाड़ी लगा ली है किनारे पर उतार लेने के लिए, ऐसा नहीं है, उनको लगानी अपनी गाड़ी, एक बार थोड़े से झोंका देते हम तो निकल जाएंगे। ये निकले सीधे निकल लो, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना अपने को, ये निकले। अभी देखते हैं इसका पिकअप बूस्ट करके देखते हैं गाड़ी को, अरे वाह 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 वाह, ये गई ये बगल पे स्कूल, तो इधर से पास से धीरे धीरे होते हुए नो हॉर्न सीधे निकल लो धीरे धीरे। ये खच्चर वाले भैया शाबाश, घोड़ों को पूरे मैदान में फैला दो, आदमी निकल ना पाए, जो कि हमें जाना है रानीखेत तो ज़्यादा आराम से भी नहीं चल सकते। अरे 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 भैया, अरे कहाँ, मतलब जगह नहीं देते गाड़ी वाले को, अपने निकलना है उनको बस, दूसरा कहीं को भी जाए, मिट्टी में जा रहा है कुछ जा रहा है कोई मतलब नहीं है, अपने लिए जगह बन जाए उनकी बस, उसी में मौज बहार है। मज़ा सा आ जाता है पहाड़ों में चल के, ये देखो गड्ढे नहीं, सड़क नहीं हो रही, पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में, गजब हो रही, मज़ा आता है कभी तो कभी तो, कभी कभी लगता है कि यार कुछ है नहीं इधर, खाली बस सड़क से इधर से उधर चले जाओ, इधर से उधर चले जाओ, ये काम रह गया अपने पास बस, घूमने के नाम पे केवल सड़कें रह गई, इधर चट्टान ऐसी दिख रही है उधर खाई दिख रही है बस, और कुछ है नहीं। और जो बीच में मिट्टी है इसने बड़ा परेशान करके रखा हुआ यार। चलो चलते हैं, हमको अपने को तो जाना ही है, एक गाड़ियाँ भी दिख रही ज़्यादा रोड में, कितनी सुनसान सड़क है। ये पुल आ गई एक छोटी सी, इस पुलिया को हमने क्रॉस करना है, यहाँ पे बहुत सारा पानी पानी होगा, तो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिट्टी मिट्टी है,
ये निकल जाओ, ये निकल गए हम सीधे आगे की ओर, पुल की इस पुल से निकले। अरे ये गड्ढे, चलो निकल गए। ये भैया जी आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। सही है भैया, मजे करो आप, हम तो घूम के आए थोड़ा सा रानीखेत की ओर। ये चढ़ाई लगी अब थोड़ा सा, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा कि हाँ पिकअप थोड़ा सा डाउन होता है यहाँ पे, या फिर रेस बना के रखो। अब ऐसे ऐसे मोड़ है कि आपको एक्सलेटर कम करना ही करना पड़ता है। ये देखिए लेकिन मज़ा पूरा आता है पहाड़ में। अरे भैया जी, भैया जी हॉर्न भी होता है भैया जी कुछ। चलो निकल गए, यही डर रहता है पहाड़ में कब गाड़ी के कौन से मोड़ से कौन से किनारे से आए ना। आपको बड़ा सेफली चलना पड़ता है, सामने वाले का कुछ पता नहीं है वो कैसे आ रहा है। आप अपना सेफ चलो, और सेफ चलने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो कितने सेफ चल रहे हो आप। आप चलते रहो, आप देखते रह जाओगे सेफ, सामने वाला बंदा आपका काम करके चला जाएगा। तो बैंड पे कुछ नहीं करना, मोड़ पे हल्की कर लेनी अपनी गाड़ी, स्पीड बिल्कुल जीरो, और उसके बाद हल्के से बैंड काटो हॉर्न देके, तब आप सेफ हो। अगर सामने वाला बंदा हॉर्न सुन रहा है आपका, अगर फुल डीजे चला के चल रहा है गाड़ी में, तब तो फिर हो ही गया। और ट्रक वाले भैया आते हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त, उनसे तो भैया दूर से ही राम राम, अपना उतर जाएंगे हम तब भी, उनसे रिस्क नहीं लेने का काम नहीं है। ये कहीं पे छाया कहीं पे धूप, ठंड भी लग रही है, ठंड से हो रही है हालत खराब। लेकिन रानीखेत तो पहुंचना अपने को। ये कभी कभी बैंड बहुत बाहर से करते हैं यार, लगता है कि बहुत गलत ड्राइविंग हो रही है, लेकिन नहीं मजा भी। ये तीखा बैंड, अरे वाह वाह, लीन कर दो पूरी गाड़ी, ये आया मजा। ये अब आ गए हैं हम रानीखेत के पास। ये शॉर्ट वाला रास्ता एक चिन्यानोला वाला है, लेकिन इस शॉर्ट रास्ते से आ तो मैं गया, पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे, सड़क हो रही है गड्ढे हो रहे हैं। ये देखो एक तो इतनी पतली रोड, फिर गाड़ियाँ खड़ी हैं साइड पे, तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती, हद ही हो रखी है मतलब। और एक ये मीटर में, ये देखिए मेरे मीटर में क्या हो रहा है सीन, कि सर्विस में करा के आ चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन फिर भी एक रेड लाइट जल रही है। ये बंद कराने का इसका जुगाड़ देखना पड़ेगा, आज कुछ वहाँ से भैया से पूछ के आऊँगा कि ये लाइट बंद हो जाए, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है ना। अब देखो ये सड़कें, अरे यार कहाँ को निकालेगा, ऊपर को निकालेगा कच्चे में, तो आगे से सामने से गाड़ी आने का डर है, और अगर वैसे निकालते तो फिर गड्ढे कूद के जाओ, सॉकर ख़त्म होते गाड़ी के। ये आगे मैडम जी बेटी को लेकर, और अब हम चलते हैं सीधे आगे की ओर। ये देखिए सुनसान इलाका, लेकिन गाड़ियां तो ऐसे पार्क की ना लोगों ने, सच में जगह नहीं है बिल्कुल भी, को बड़ा सेफ जाना, अगर किसी के कोने पे भी लग गया तो कलेश हो जाएगा पूरा। ये देखिए कैसे कैसे कोने कोने पे, खाई के करीब बिल्कुल स्कूटियां खड़ी की हैं लोगों ने, लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो रानीखेत पहुंचना है कैसे भी। चले चलो भाई, चले चलो रानीखेत, चले चलो, चलते हैं रानीखेत की ओर। गाड़ियों से गाड़ियाँ भिड़ा के बिल्कुल खड़े हैं लोग, हद ही है मतलब, गजब कर रखा है बिल्कुल। ओम फोर का भैया, ओम फो ये, अरे भैया गजब गजब गाड़ी लेके आ रहे भैया जी, गजब गाड़ी लेके, जगह नहीं दे रहे भैया जी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल साई फाई बन रहे भैया जी। सही है भैया जी, मौज उड़ा लो मौज। अपनी सवारी तो चली रानी खेत को, लेकिन इन गड्ढों से मुक्ति कब मिलेगी, हद है यार, सड़क नहीं पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं यहाँ तो पूरे अभी, और इतनी पतली रोड ना, आप वीडियो में तो आपको थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन नहीं इसमें जगह नहीं, अगर एक कार भी आगे से आए तो बाइक भी बड़ी मुश्किल से निकलेगी फिर ये। लेकिन शॉर्ट रास्ता है, शायद 7-8 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है, तो लोग इधर से आ जाते हैं। और ये गाड़ी को जो लीन करने का मज़ा है, ये लटा दो पूरी गाड़ी, ये मज़ा आ गया, निकल जाओ बड़े मज़े से। लेकिन सामने हॉर्न बजाते हुए, क्योंकि सामने से कैसा बंदा है कोई पता नहीं है, सीन बन जाता फिर ज़बरदस्त वाला। चलो निकलते हैं हम तो, हमने पहुंचना है रानीखेत। लेकिन ये लाल जो इंडिकेटर आ रहा है ना बार बार इस सर्विस का, ये मुझे जब बड़ा इरिटेट कर रहा है, जबकि सर्विस करा चुका हूँ मैं। अब वो क्या हुआ होगा कि सर्विस कुछ 1 किलोमीटर पहले हो गई, वो बाद में उसको फील उतना ही होगा, तो उसकी वजह से इंडिकेटर दिखा रहा है। चलो इसका भी कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा, भैया चले हमारे साथ। अरे भैया, भैया जी भाव नहीं दे रहे भैया। चलो कोई नहीं, हम तो जाना है, आप आओ आराम से। ये कूद गई, अरे 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 अरे, वाह निकल गए निकल गए निकल गए भैया निकल गए।
आराम से निकलना, जल्दीबाजी नहीं। ओ गड्ढा गड्ढा, ओ निकाल ली निकाल ली निकाल ली निकाल ली। बहुत ही गजब हो रहा भैया ये देखो ये मज़ेदार सफ़र। आओ भैया जी आप भी आओ, ये जगह दो हमें जगह दो। अरे निकल निकल गया भैया, कोई दिक्कत नहीं हो। ये लो ये जाओ, कभी नागिन बना दो, बिल्कुल लहरा दो गाड़ी को। ये निकाली, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा। ये अरे 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 ये निकालो फिर से। हाँ भैया जी अब आप भी आओ या मैं ही आ जाऊँ। अरे 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 हमें जगह दो थोड़ा सा, बस हम निकल जाएंगे इतने में। थैंक यू वेरी मच, निकल गए हम। अरे छोटू तू साइड हट जा। ये अरे 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 हाँ इधर जाएंगे हम आराम से। अरे दीवार पे पूरी चिपका के लगाई गाड़ी, हदी है, मतलब टैलेंट है भैया टैलेंट है, गजब हो रहा है इधर तो। अरे भैया आप क्या देख रहे हैं, हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं। ये ले बीचों बीच चलो आप रोड में, सड़क में बिल्कुल, हमें जगह ना दो। ये फिर गड्ढे, अरे अरे भैया वाह क्या कट मारते हो भैया आप भी। ले आप पहुंच गए शायद रानी खेत, हाँ पहुंच गए भैया रानी खेत के पास में पहुंच गए हम। चलो मज़ा आया पूरे सफ़र में, पर मुझे लगा नहीं था इससे वीडियो इतना अच्छा बन जाएगा। अब वीडियो कैसा आ रहा है और कितना सेक हो रहा है वीडियो ये तो मुझे नहीं पता, वीडियो एडिटिंग के वक्त ही देखूँगा मैं। लेकिन देखो ये गाड़ियाँ पहुँच गए रानी खेत, हम मुझे लग रहा है वीडियो आ तो अच्छा रहा होगा वैसे। अरे बंदर मियाँ किधर को चल दिया तुम, हमारा रास्ता ख़राब करोगे। अरे वाह अब आया रानी खेत, रानी खेत आते, अरे वाह शाबाश स्वागत में गड्ढे गड्ढे हैं। तो ये करता दोस्तों मैं, वीडियो तो अच्छा ही आ रहा होगा, जैसा भी आ रहा होगा एडजस्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर भी करो दोस्तों के साथ, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी मज़ेदार। भैया जी हमें जाने दो आप, अब तो कल शाम तक पहुँचोगे फिर यार। 14-15 की स्पीड लेके अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेके चल लो तो क्या ही फ़ायदा, फिर तो आप इससे अच्छा वही ले लो स्प्लेंडर प्लस। अब स्प्लेंडर प्लस वाले भाई नाराज़ मत हो जाना इसलिए नहीं कह रहा, गाड़ी बहुत प्यारी है स्प्लेंडर प्लस, लेकिन बात स्पीड वाली है। आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो फिर थोड़ा सा जगह मिल जाए तो निकल जाओ आप कहीं से भी, लेकिन नहीं भैया मूड में नहीं है। और हमारे भाई कैसे पल्सर वाले भैया ये जगह नहीं देने की हमको, कोई मतलब नहीं है। पैर नीचे लगाते हुए चलो मज़े से, अरे कितना बड़ा बैग लाद रखा है, कैसे बढ़ेगी गाड़ी आगे, न्यूटन में है भाई, इसको गियर में डालना पड़ेगा। ये गया फर्स्ट गियर, अब चलें आगे को, बड़ा मज़े। चलो भैया निकल लेते हैं हम तो मज़ेदार सफ़र में। ये बाजार से जाते हुए कैसे निकलेंगे, ज़रा सा जगह दे दो भैया जी, नहीं ये नहीं मानेंगे। अरे जाने दो भैया, ये निकलेंगे अब तो आते रहो, हम चले जाएंगे आपसे 5-10 किलोमीटर आगे। वो मैक्स वाले भैया जगह दे दो थोड़ा सा हमको, बस इतनी काफ़ी हमारे लिए, हम निकल जाएंगे। अरे 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 भैया गजब मजब गजब गजब हो रहा है ये तो, अरे कितना ठंडा हो रहा है ये बर्फ बिल्कुल, इधर को धूप ही नहीं है, नीचे साइड की दुकानों में तब भी धूप है ऊपर को। अरे भैया जी जगह दे दो हमें, नीचे की साइड की दुकानों में धूप है ऊपर तो धूप भी नहीं है, कितना मस्त लग रहा है बाज़ार, मज़ा आ जाता है रानीखेत बाज़ार में एक बार आकर के। ये ब्रेकर वाह खुदा दो गाड़ी को, क्या जा रहा है अपना। ठीक है भैया बना लो बड़े बड़े ब्रेकर, हमारी स्पीड तो उतनी रहने वाली है, हम तो 19-20 पे चलने वाले बंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन कैसे चले कोई पता नहीं। जगह दोगे भैया आप हमें, ना आप दोगे हम निकाल लेंगे, हम चल पड़े। भैया जी आप हमें जगह दोगे, आप बड़े मस्ती में चल रहे हो, निकालेंगे हम गाड़ी जरूर आपसे आगे, हमें जाना ही पड़ेगा। अरे मैडम जी आप कहाँ चल दी, हम भी चले जाते हैं आपसे आगे, क्या दिक्कत है। अरे वाह क्या चमक रही है चीज़ आगे, गाय माता भी घूम रही है, सही है सही है सही है। भैया जी जरा सा जगह दे ही दो आप हमें, अरे 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 बाप रे तो गजब दे दो भैया जगह। अरे वाह थैंक यू वेरी मच, हम निकल लिए, हमको हो रही देर, अब चलो 30-32-25। अरे भैया कूदते हुए नहीं रोड में आराम से चलते, ये निकले, निकलने तो पड़ेगा। अब यहाँ से क्या सीन है, आजकल वन वे बना रखा है, बस एक साइड आप जाओ दूसरी साइड घूम के आओ, लंबा पूरा ऊपर हल्द्वानी रोड से घूम के, इतना लंबा कौन ही जाएगा। टू व्हीलर वाले तो निकल जाते हैं लेकिन फोर व्हीलर वाले जो हैं उनको जाना पड़ता है वहाँ से घूम के, नहीं तो फ्री फंड का चालान कटेगा। ये वैसे भी कैंट एरिया है रानी खेत, यहाँ पर चालान कटने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन मुझे अभी जिस काम के लिए जाना है सबसे पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ
मेडिसिन लेने जाना है मुझे, वहाँ पे पहुँच जाऊँ पहले, उसके बाद का सीन सोचते हैं क्या करना अपने को। लेकिन ना भैया, ये हुंडे वाले भैया अपने को जगह देने के नहीं, मुझे लग रहा है ये फुल मूड में है। भैया इतना तो हम भगा रहे, आप कितना भगा रहे हो बाजार के बीच में। अरे 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 अरे, लगे लगे नहीं भैया, एक्सपर्ट हैं हम, भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, मस्त होकर चलने का। अब आप आ गए भैया, ये देखो ये है रोडवेज स्टेशन, कोई विशेष नहीं है लेकिन दो चार गाड़ियाँ रोडवेज की खड़ी रहती हैं। अंदर के साइड थोड़ा सा स्टेशन है, बस बन गया अपना रोडवेज स्टेशन, चाहे बसें चाहे चार ही हों, ठीक है। लोगों को बनाने के लिए हो गया गवर्नमेंट का कि हाँ हमने स्टेशन खोल रखा है, चाहे उसमें बसें हों ना हो। लेकिन भैया जी आप तो बड़े मज़े से जा रहे हो, हमें जगह नहीं दोगे क्या आप? अरे हमको थोड़ी सी जगह दे दो रे भैया, दोगे नहीं दोगे, जगह दे दो यार। चलो कोई नहीं, अपना को तो यहाँ से लेफ्ट जाना है, आप चलो आगे, हम आराम आराम से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को शेयर करना यार, फर्स्ट मेरा मोटो ब्लॉग है।